हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कामयाज किचन। आज की हमारी रेसिपी है शाही पनीर। शाही पनीर बनाना बहुत ही आसान है। इसको कैसे बनाते हैं, चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमने लिया है क्रीम, कसूरी मेथी, टमाटर, नमक, कटी हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें हमने हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सब पीस लिया है। गरम मसाला, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च, तड़के के लिए दो मिर्च और दालचीनी ले लिया है हमने, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, पनीर। पनीर हमारी होममेड पनीर है। इसको कैसे बनाते हैं आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक देख सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम टमाटर को बॉयल कर लेंगे, हल्का सा, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। टमाटर हमारा 5 मिनट तक बॉयल हो गया है, इसको बंद कर देते हैं गैस को। इसको ठंडा करके हम पीस लेंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है, ये गर्म हो गया है। दालचीनी डाल देते हैं, लाल मिर्च, हल्का सा इसको ब्राउन होने दें, कटी हुई प्याज, लहसुन प्याज का पेस्ट, इसमें हमने हरी मिर्च भी पीस लिया है, टमाटर को पीस कर हमने प्यूरी बना लिया है, इसको डाल देते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, गरम मसाले को हम बाद में डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा, नमक टेस्ट के हिसाब से, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है ताकि हमारा मसाला जलने ना पाए। जो हमने क्रीम ली थी उसको डाल देते हैं, इसको भी भून लेते हैं डाल के। जब तक हमारा मसाला तेल ना छोड़ने लगे तब तक इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं मसाले में तेल छोड़ने लगना है। थोड़ी देर इसको और भून लेते हैं जिससे इसका अच्छा टेस्ट आ जाए। मसाला हमारा भून गया है, मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। इसमें हमने 2 गिलास पानी डाला है। आप जैसे चाहें वैसी ग्रेवी रख सकते हैं। इसमें हम पनीर डाल देंगे। पनीर को हमने कच्चा ही रखा है जिससे इसका अच्छा टेस्ट आए। गरम मसाला जो हमने लिया था उसको डाल देते हैं। मसाले को हम लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं जिससे इसका अच्छा टेस्ट आए। कसूरी मेथी, इसको हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। आप इसको देख सकते हैं, ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है।
आप देख सकते हैं हमारी शाही पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर हम धनिया डाल देते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी शाही पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आपका जब भी मन करे आप आसानी से इसको घर पे बना सकते हैं। फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और अपना कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।